हियर इज द क्वेश्चन. सम ऑर्डर इमरजेंसी ऑक्सीजन मास कंटेनिंग पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 विच रिएक्ट विथ CO2 एंड वॉटर इन एक्सहेल्ड एयर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन. ओके, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जहां पर हमारे पास सुपर ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन गैस का एक्सहेल हो रहा है. ओके, फिर हमें ये बोला है इफ अ पर्सन एक्सहेल्स 0.667 ग्राम ऑफ CO2 पर मिनट. पर मिनट में कितना CO2 एक्सहेल कर रहा है कोई पर्सन? 0.667 ग्राम एक्सहेल कर रहा है. ठीक है, फिर हमसे बोला है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KO2 आर कंज्यूम्ड इन 5 मिनट. ओके, मतलब कि अगर कोई पर्सन CO2 का 0.667 ग्राम पर मिनट में अगर एक्सहेल करता है तो 5 मिनट में कितना KO2 को कंज्यूम करेगा. बिकॉज ऑफ CO2 एंड KO2 दोनों आपस में क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है. तो जब CO2 एक्सहेल होगी तो वो CO2 जो एक्सहेल हो रही है वो क्या करेगी, सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं, इसके मोल चेक कर लेते हैं. तो इसका क्या है, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास, CO2 का मोलर मास. तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, 0.0151 मोल हो जाएंगे. ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2 पर मिनट में, पर मिनट में कितने मोल्स ऑफ CO2 एक्सेल हो रहे हैं, 0.015 मोल. जितने मोल्स एक्सेल होंगे उतने ही मोल्स क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि इनकी स्टोइकियोमेट्री देखो, इसके 4 मोल के लिए ये भी कितना चाहिए, 4 मोल. मतलब कि 1 मोल ऑफ CO2 के लिए KO2 भी कितना चाहिए, 1 मोल. इट मीन्स यहां पर सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के मोल भी कितने होंगे पर मिनट के लिए, 0.0151 मोल रिएक्ट कर रहे होंगे CO2 से. पर मिनट में इतने मोल रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो अब इसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, वेट कितना हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा इसका मोल इनटू इसका मोलर मास. तो मोलर मास ऑफ KO2 कितना होता है, 71. इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, KO2 का वेट आ जाएगा. कब, पर मिनट में, पर 1 मिनट में इतना KO2 क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है. तो 5 मिनट में कितना करेगा, तो 5 मिनट में कितना करेगा बेटा, पर मिनट में इतना, तो 5 मिनट में कितना होगा, 71 इंटू 0.0151 इंटू 5. इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा समथिंग 5.36 ग्राम. कितना आएगा, 5.36 ग्राम. मतलब कि 5 मिनट में 5.36 ग्राम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्या होता है, कंज्यूम होता है. तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है यहां पर, ऑप्शन डी. इसे मिलता जुलता है तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन.